दोस्तों आज हम आपको बताते हैं सर्दियों में प्रयोग करने योग्य एक ऐसा जबरदस्त फार्मूला जिसका आप प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर को जबरदस्त एनर्जी मिलेगी। इसी के साथ दूसरा फायदा होगा, आपके पेट में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कब्ज आदि की शिकायत आपको नहीं रहेगी। तो जबरदस्त फायदे हैं इसके, और नॉर्मल ऐसे इंग्रेडिएंट लिए गए हैं जो आपके आसपास आसानी से मिल जाते हैं। केवल इनका तरीका है, जिस तरीके से आप इन्हें प्रयोग करेंगे तो आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। इसमें केवल तीन चीज़ों का प्रयोग किया गया है। पहला है, यहाँ पर टमाटर, पके हुए टमाटर लेने हैं, और सर्दियों के सीजन में आसानी से देसी टमाटर मिल जाते हैं, तो देसी टमाटर ही आपको लेने हैं, वैसे टमाटर नहीं लेने हैं जो आपके सलाद वगैरह के काम आते हैं। तो आपको देसी टमाटर ले लेने हैं और उन्हें इस तरीके से काट कर तैयार करना है। दूसरा है, इसके बाद में हरा मटर, ये पैकेट वाला मटर नहीं है दोस्तों, ये हरा मटर है और इसे हमने छील कर तैयार कर लिया है, तो आपको भी छील कर तैयार करना है इस तरीके से। इसके बाद इस मटर को तो आपको उबालना होगा, आप इसे उबाल लीजिएगा, और मटर आपके टमाटर का कुछ नहीं करना है। इसके बाद एक चीज़ और चाहिए, क्योंकि इस फार्मूले के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता है। चीज़ चाहिए वो है आपका पनीर, आप देख सकते हैं हमने आपको दिखाने के लिए थोड़ा ज़्यादा लिया है, लेकिन आपको तीनों चीज़ों की मात्रा बता देते हैं। तो आपको इस प्रयोग को करना है, या तो सुबह आप खाने के साथ ले सकते हैं, या इसके अलावा दोपहर में जब आपको भूख लगती है, यानी खाना खाने के लगभग 4-5 घंटे बाद आप इसे लीजिए, पूर्ण खाने का काम करेगा। तो आप यहाँ पर टमाटर लीजिए 100 से 150 ग्राम केवल, और मटर लेनी है केवल 50 ग्राम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पनीर होना चाहिए केवल 100 ग्राम, मात्रा आप नोट कर सकते हैं। तीनों चीज़ें हैं 100 से 150 ग्राम, 150 ग्राम आप टमाटर लीजिए तो 50 ग्राम मटर हो तो 100 ग्राम पनीर हो, इस तरीके से। और आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तीनों चीज़ें लेनी है, टमाटर इसी तरीके से रखने हैं, मटर आपको यहाँ पर उबाल कर तैयार करना है, आप जानते होंगे, और इसके बाद पनीर आपको लेना है 100 ग्राम, लेना है इसी तरीके से, लेकिन इसके साथ कुछ करना पड़ेगा, आपको दिखा देते हैं। इसके बाद एक बर्तन में हमें पानी उबालना है, इससे दो काम लेने हैं। एक बर्तन में आप पानी उबाल लीजिए यहाँ पर, तो पानी जब उबल रहा है, देखिए उबल चुका है हमारा, और इसमें डालना है आपको पनीर जो आप मार्केट से लाएं, यानी सीधा प्रयोग कभी भी नहीं करना है, पनीर इस तरीके से डालना है आपको, और ये देखिए इस तरीके से आपको पनीर डाल लेना है, और ऊपर से ये साफ हो जाएगा बिल्कुल। तो धोने के बाद ही पनीर को खोलते पानी में आपको प्रयोग करना है, ये ध्यान रखिएगा आप, बस इतना सा काम है, कोई ज्यादा बात नहीं है इसमें। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं इसे, और इसके बाद में जो हमारा पानी है, पानी यहां से बदल देंगे, हम दूसरा पानी लेंगे। अब यहाँ पर पानी उबलना शुरू होते ही आपको उसमें मटर डाल देने हैं इस तरीके से नॉर्मली, और बस इसका वेट करना है लगभग 5 मिनट तक जो है, और ये मटर हमारे तैयार हो जाएंगे। ये मटर अब उबल चुका है, बस इसे अब हम निकाल लेते हैं अपने बर्तन में। तो फाइनली यहाँ पर देखिए मटर उबल के तैयार हो चुका है, और ये पनीर 100 ग्राम के करीब लिया है, वैसे आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 50 से 100 ग्राम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लेना है। 50 ग्राम लें, 60 ग्राम लें, 70 ग्राम लें या 100 ग्राम लें। मटर तैयार है, टमाटर आपके कटे हुए हैं ही, तो इसमें आपको करना क्या है, इस मटर के अंदर सीधा आपको ये पनीर को डाल देना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको टमाटर लगभग बताया था आपको जो 100 से 150 ग्राम टमाटर डाल लेने हैं इस तरीके से। आप देखिए बहुत ही टेस्टी बनेगा, लेकिन इसमें एक और चीज़ अभी पड़ने वाली है, ये देखिए ये तो फिलहाल तैयार हो गया है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, और देखिए आप इस सबको मिला लेना है आराम से, लेकिन अभी इसमें टेस्ट के लिए और मेन जो चीज़ है इसकी वो डालनी बाकी है, केवल टेस्ट ही नहीं जो आपके पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये है 11 चीज़ों से बना हुआ एक मसाला है, ज़बरदस्त, आप इसे चूर्ण कह सकते हैं, मसाला कह सकते हैं, और ये 11 चीज़ें हैं आपकी, काला नमक, भुना जीरा, कच्चा जीरा, सेंधा नमक, हींग, अजवाइन, सौंफ, मेथी, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, इलायची, इन सब की अलग अलग मात्रा होती है, उस मात्रा के आधार पर इसे तैयार किया गया है, वो इस पे डालना है, और उसी का ही मूल महत्व भी है जो आपको यहाँ ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। न तो आपके पेट में कभी कब्ज रहेगी, न कभी आपके शरीर में कमजोरी की शिकायत रहेगी। तो ये आपको मसाला इसमें डालना है दोस्तों, देखिए कुछ इस तरीके से ये मसाला तैयार किया गया था,
आपके लिए कंप्लीट एक वीडियो में शेयर कर देंगे, क्योंकि इस मसाले के बहुत सारे प्रयोग होते हैं इस चूर्ण के। इस तरीके से आप इसमें डाल लीजिए, इसे अपने टेस्ट अनुसार आप डाल सकते हैं, नमक का भी काम करेगा और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगा। प्लस पेट के लिए तो आप ज़बरदस्त इसे रामबाण समझ सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पोषक है, क्योंकि इसकी सब चीज़ें आप कह सकते हैं प्राकृतिक गुण वैसे ही हैं। और इसमें न मटर को तला गया है, न किसी तेल का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से करिए एक शॉर्ट सी वीडियो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जिन्हें प्रोटीन की कमी है और जिनका सांस फूलता है थोड़ी दूरी पर चलने पर, तो उनके लिए एक रामबाण फार्मूला है, वो इसका प्रयोग कर सकते हैं, अपने शरीर में शक्ति बढ़ा सकते हैं। और आपके लिए कंप्लीट विधि, ये मसाले वाली विधि भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें 11 मसाले जो आपको बताएं प्रयोग किए गए हैं। और इसी तरह की जबरदस्त जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और फायदा उठाएं अपने दैनिक जीवन में, हमेशा स्वस्थ रहें, यही मकसद है हमारे चैनल का। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों।